दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि टाटा 1616 सुपर टर्बो का क्लच फिंगर उल्टा है, फिर भी क्लच कैसे काम करता है उसके बारे में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम क्लच उल्टा फिंगर उल्टा होने के बावजूद भी क्लच अपना सही से हाफ पैडल पर सेट होता है टाटा 1616 सुपर टर्बो का, देख सकते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं छोटे से इंटरव्यू के बाद आज की वीडियो। दोस्तों, मैं हूँ देवा कुशवाहा और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे भी कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन शुरू सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम प्रेशर प्लेट को असेंबल करते हैं, जो कि 14 इंची की प्रेशर प्लेट है टाटा 1616 सुपर टर्बो। दोस्तों, मैंने आई बटन पर अपनी लिंक दिया हुआ है, आई बटन पर जा दे सकते हैं कि टाटा G1150 का गियर बॉक्स कैसे डिसमेंटल करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, हमने फिंगर को फिटिंग करते हैं छोटी सी पिन लगा के और झूला भी साथ में। उसके बाद हम बड़ी पिन को फिटिंग करेंगे, फिर उसकी लॉक पिन को फिटिंग कर देंगे। उसके बाद में हम उसी तरह सेकेंड नंबर फिंगर और थर्ड नंबर फिंगर को भी सेट करेंगे। देख सकते हैं, हमने फर्स्ट नंबर फिंगर को सेट कर दिया है और जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि कैसे फिंगर उल्टी होती है और अपना क्लच सही से काम करता है, हाफ पैडल पे क्लच काम करता है। देख सकते हैं, अपनी प्रेशर प्लेट 14 इंची की है और अपनी जो पिनें हैं फिंगर की वो रखी हुई हैं और उनको हम एक एक करके सभी को असेंबल करेंगे। हमने फर्स्ट फिंगर को असेंबल कर लिया है, उसके बाद में हम सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर को भी असेंबल करेंगे। चलिए अब हम फर्स्ट नंबर फिंगर की पिन को डाल के चेक करते हैं, जो कि हमने स्मॉल पिन को पहले ही फिंगर में डाल लिया है झूले के साथ, और हम अभी स्प्रिंग फंसा के सेकेंड नंबर पिन को फंसाएंगे, जो कि बिग है, बड़ी पिन है। उसके पिन फंसाने के बाद वॉशर डालेंगे उसमें और फिर लॉक लगा देंगे, जिससे अपना पिन जो अपनी पिन है सही सेट हो जाएगा और फिंगर बराबर काम करेगा। देख सकते हैं, हमने फर्स्ट फिंगर को असेंबल कर लिया है, उसी तरह सेकंड फिंगर को असेंबल करेंगे चारों तरफ हल्का सा ग्रीस लगा के। देख सकते हैं, हमने तीनों फिंगरों को असेंबल कर लिया है प्रेशर प्लेट में। उसके बाद सभी फिंगरों को चेक करेंगे एक बार, उसके बाद में हम स्प्रिंग को फिट करेंगे, जो कि टोटल 21 स्प्रिंग लगती हैं फिंगर स्प्रिंग। देख सकते हैं, एक एक के खांचे सबके दिए हुए हैं। अब हम आपको लॉक फिंगर में जो लॉक वॉशर रहता है, लॉक पिन, उसको लॉक करके पिन को दिखाते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएँ कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, मैंने आई बटन पर लिंक दिया हुआ है कि टाटा लोडर का ट्रांसमिशन कैसे डिसमेंटल करते हैं और हिंदुस्तान लोडर का हब असेंबल कैसे करते हैं, ब्रेक शू कैसे फिटिंग करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। और दोस्तों, अगर आप लोग हाइड्रा का गियर बॉक्स कैसे डिसमेंटल करते हैं उसके बारे में देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पर जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं, स्प्रिंग को एक एक लगा के फिटिंग करते हैं। देख सकते हैं, हमने सभी फिंगरों पे लॉक पिन लगा लिया है। सभी फिंगरों पे लॉक पिन फंसाने के बाद हम एक एक करके सभी स्प्रिंग को फिटिंग करेंगे। चलिए अब हम इस एक एक स्प्रिंग को फिटिंग करते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। देख सकते हैं, हम एक एक करके सभी स्प्रिंग को प्रेशर प्लेट पर फिटिंग करेंगे और हमने जो प्रेशर प्लेट को दबाने के लिए पुलर का इस्तेमाल किया है, देख सकते हैं आप लोग, पुलर हमने ऐसे ही मैनुअल बनाया हुआ है और हम सभी स्प्रिंग को एक एक करके स्टिप कर देंगे, जो कि टोटल 21 स्प्रिंग लगती हैं। अपनी प्रेशर प्लेट 14 इंची की होती है, जो कि टाटा 1616 सुपर टर्बो में सा होता है। चलिए अब हम सभी स्प्रिंग को फिटिंग कर दिए हैं, अब उसके प्लेट को फिटिंग करते हैं। उसके बाद में हम
कूलर से टाइट करेंगे कि सही स्प्रिंग अपनी जिससे फिटिंग हो जाए। उसके बाद में हम रिलीज बैरिंग गियर सिलेक्टर को फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं हमने प्रेशर प्लेट केसिंग को फिटिंग कर दिया है। अब पुलर को लगा के बोल्ट से टाइट करेंगे जिससे अपनी स्प्रिंग जो है प्रेशर प्लेट की सही से फिटिंग हो जाए और अपने जो झूला है उसमें चक नट सही से काम करे। देख सकते हैं जिससे हम बराबर फिटिंग कर सकें। चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अपनी स्प्रिंग फिटिंग हुई है बराबर या नहीं। देख सकते हैं आप लोग, अगर हम झूले को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो चेक नट एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर हम उसको क्लॉकवाइज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज। चलिए दोस्तों, हम सभी चेक नट को फिंगर के झूले में फिटिंग कर देते हैं। उसके बाद में हम चलिए दोस्तों हम सभी फिंगर जो झूले हैं उनको फिटिंग कर देते हैं। देख सकते हैं हमने पुलर की मदद से प्रेशर प्लेट को टाइट कर दिया जिससे सही से अपनी स्प्रिंग फिटिंग हो चुकी है। अब हम आपको एक बार घुमा के दिखाते हैं। देख सकते हैं अपनी फिंगर है, उसमें हम रिलीज बेयरिंग को फंसाएंगे और इसमें उल्टा काम करती है रिलीज बेयरिंग। देख सकते हैं आप लोग, रिलीज बेयरिंग डालने के बाद जिसको हम गियर सेलेक्टर भी बोल सकते हैं, इसमें हम लॉक पिन फंसाएंगे, चीरा पिन या स्पीड पिन भी बोल सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं अपनी फिंगर बराबर से सेटिंग हो गई है। अब हम रिलीज बेयरिंग लगाने के बाद स्पीड पिन या चीरा पिन या लॉक पिन भी बोल सकते हैं जिससे अपने रिलीज बेयरिंग सही से फिटिंग हो जाए। उसके बाद में हम गियर को चेक करेंगे कि अपना क्लच कितने पे सेट होता है। प्रेशर प्लेट की स्प्रिंग को सही से फिटिंग होने के लिए हम दो तीन बोल्ट को सही से लगा के टाइट करेंगे जिससे अपनी फिंगर ऊपर की तरफ उठेंगी। सभी का एक फिंगर आपको दिखा रहे हैं हम कि कैसे अपनी फिंगर ऊपर की तरफ उठेंगी और डाउन होंगी। देख सकते हैं हम रिलीज बेयरिंग को फंसा रहे हैं, जो कि अपनी जो फिंगर की स्प्रिंग है वो रिलीज बेयरिंग के ऊपर आती है, जो कि दोस्तों अपने टाटा 2518 या 2523 BS4 में ऐसा नहीं होता है, जो कि टाटा 1616 सुपर टर्बो में ऐसा होता है। और रिलीज बेयरिंग को हम लॉक करते हैं, जबकि टाटा 2523 और टाटा 2518 में ऐसा नहीं होता है। देख सकते हैं हमने रिलीज बेयरिंग को फिटिंग कर दिया है। अब हम उसके स्पीड पिन या लॉक पिन, चीरा पिन भी बोल सकते हैं, उनको लॉक कर देंगे सभी एक एक करके, जिससे अपनी रिलीज बेयरिंग सही से सेटिंग हो सके। देख सकते हैं हमने एक एक करके सभी स्पीड पिन को रिलीज बेयरिंग में फिटिंग कर दिया है, जिससे अपना क्लच सही से रिलीज हो सके। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी गाड़ी की ओर, जहाँ पे हमको प्रेशर प्लेट को फिटिंग करना है और कितने पे रिलीज होता है। देख सकते हैं हमने प्रेशर प्लेट को फिटिंग कर दिया है। अब हम आपको दिखा रहे हैं दबा के कि कितने पे अपना पैडल, क्लच पैडल फिटिंग होगा। दोस्तों अपना 75 mm पे या तो 2.5 इंच बोल सकते हैं। देख सकते हैं हमने क्लच पैडल हाफ में